आज हमारे क्लास में हम लेसन 7 शुरू करेंगे। लेसन 7 क्या है? छोटा उ की मात्रा। तो छोटा उ की मात्रा हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। तो अपनी बुक में पेज नंबर 26 निकालो और पढ़ना है हम लोगों को। कुछ शब्द दिए हुए हैं छोटा उ की मात्रा वाले शब्द जो हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला शब्द क्या है जो इनमें अलग अलग अक्षर दिए हुए हैं, तो उन अक्षरों को जोड़ के हम लोगों को शब्द बनाना है। तो ग प्लस छोटा उ की मात्रा और वी प्लस य की मात्रा आ हुआ क्या होता है? यहाँ पे ग के बाद छोटा उ की मात्रा है, तो हम ग में छोटा उ की मात्रा लगाएंगे। ग में छोटा उ की मात्रा और बाकी सब शब्द अक्षर हम जोड़ के ये शब्द बनाएंगे। क्या है ये शब्द? गुड़िया, ठीक है। ये अक्षर जोड़ के क्या शब्द बना? गुड़िया। और छोटा उ की मात्रा कहाँ पे लगा है? ग में छोटा उ की मात्रा लगा है। उसी तरह है तुम लोगों का दूसरा शब्द क्या है? ग प्लस छोटा उ की मात्रा प्लस ल प्लस व, तो क्या हो जाता है? ग में छोटा उ की मात्रा होगा, तो ग में छोटा उ की मात्रा ल आ की मात्रा और ब हो गया गुलाब, ठीक है। फिर क्या है? फिर है कुटिया। तो यहाँ पे क में छोटा उ की मात्रा दिया हुआ है प्लस बाकी सारे अक्षरों को जोड़ना है, तो ये शब्द क्या बनेगा? कुटिया, ठीक है। ये शब्द बना कुटिया, ठीक है। फिर क्या है? फिर है कछुआ। इसमें देखो क के बाद छोटा उ की मात्रा नहीं है, इसमें छ के बाद छोटा उ की मात्रा है। तो हम लोग क्या करेंगे? क में छोटा उ की मात्रा नहीं बिठाएंगे, कहाँ बिठाएंगे? छ में। तो क छ में छोटा उ की मात्रा और आ, तो क्या हो जाता है? कछुआ, ठीक है। तो उसी तरह हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों का बुक में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पढ़िए और जोड़ कर लिखिए। तो उसी तरह हम लोगों को क्या करना है? उन शब्दों को, उन अक्षरों को जोड़ कर हमें शब्द बनाना है। तो ब प्लस छोटा उ की मात्रा प्लस न, तो हो जाता है क्या? होगा, यहाँ पे कहाँ छोटा उ की मात्रा बैठेगा? ब में। तो ब में छोटा उ की मात्रा और न, हो गया गुण। फिर ग प्लस छोटा उ की मात्रा और र, हो गया। तो यहाँ पे भी कहाँ छोटा उ की मात्रा बैठेगा? ग में, क्योंकि ग के बाद ही है। तो ग में छोटा उ की मात्रा और र, गुड, ठीक है। उसी तरह है आप लोगों का सुख, क्या है? स प्लस छोटा उ की मात्रा प्लस ख, क्या हो जाता है? सुख हो जाता है, ठीक है। फिर अभी क्या है? धूला। तो यहाँ पे ध में छोटा उ की मात्रा दिया हुआ है हम लोगों का, बस इन दोनों को जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा? ध में छोटा उ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, क्या होगा? धूला, ठीक है। उसी तरह है कुली। क में छोटा उ की मात्रा प्लस ल में बड़ा ई की मात्रा, हो गया कुली। तो अभी उस तरफ भी कुछ अक्षर हैं जिनको हमको जोड़ के शब्द बनाना है। तो क्या है? प प्लस श प्लस छोटा उ की मात्रा है। यहाँ पे भी देखो प के बाद छोटा उ की मात्रा नहीं है, श के बाद है। तो प श में छोटा उ की मात्रा लगाएंगे हम लोग, तो बन जाता है पशु। उसी तरह आप लोगों का है क्या? ध प्लस न प्लस छोटा उ की मात्रा, हो गया क्या? धनु। तो फिर क्या है? तनु। त न प्लस छोटा उ की मात्रा, तो क्या लिखेंगे आप लोग? त न में छोटा उ की मात्रा, हो गया तनु। उसके बाद क्या है? कुटिया। ये शब्द हमने शुरुआत में ही पढ़ा था ना, कुटिया।
तो बस इन अक्षरों को जोड़ना है। क में छोटा ओ की मात्रा, ट में छोटा ई की मात्रा, य आ की मात्रा हो गया कुटिया। फिर है सुपारी, स में छोटा ओ की मात्रा, पा में आ की मात्रा, क में आ की मात्रा, ड में बड़ाई की मात्रा, हो गया सुपारी। सुपारी। अभी नंबर दो। नंबर दो क्या करना है, हम लोगों को चित्र देखकर बोलना है कि ये किसका चित्र है। दिए गए चित्रों के सही नाम पर सही चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो पहला वाला चित्र किसका है, पहला वाला चित्र कौन अपने ऊपर बोझ लेके चलता है, हमारा बोझ कौन उठाता है, कुली ना, तो हम लोग कुली में सही चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। ये गुड़िया नहीं है, ये कुली है, इसलिए हम लोग कुली पे सही चिन्ह लगाएंगे। फिर इस तरफ क्या है, गुड़िया या चुहिया, ये चित्र किसका है, ये चित्र है चुहिया का, तो इसमें सही चिन्ह लगाएंगे, चुहिया पे सही चिन्ह लगाएंगे, चुहिया पे हम लोग सही चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है पुल या धूल, किसका चित्र है, ये है पुल का चित्र, पुल पे सही चिन्ह लगाओगे, धूल पे नहीं। फिर है जामुन की साबुन, ये चित्र किस चीज का है, जामुन है कि साबुन है, ये चित्र है साबुन का, तो क्या करोगे, साबुन पे सही चिन्ह लगाओगे, साबुन पे सही चिन्ह लगाओगे। तो अभी नंबर थ्री, नंबर टू के जैसा ही है ना, चित्र देखकर सही शब्द पर सही चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो पहला वाला सिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, बाकी सब आप लोगों को करना है। तो पहला वाला किसका चित्र है, चित्र है, ये है कछुआ का चित्र, तो आप लोग कछुए पे सही चिन्ह लगाओगे, उसी तरह आप लोगों को बाकी सब करना है।